नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्कैरी एंड पैरानॉर्मल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन के बारे में सारी जानकारी दी थी। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछला पार्ट ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एड और लॉरेन वॉरेन द्वारा सुलझाए गए केसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एड और लॉरेन एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। उन्होंने अपने पूरे करियर में 10,000 से ज़्यादा केस सॉल्व किए थे। उन्हीं में से कुछ केसेस के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। एनाबेल डॉल। दोस्तों, एक छोटी सी गुड़िया के साथ हर बच्चा खेलना चाहेगा, परंतु क्या हो जब वह गुड़िया एक शैतानी आत्मा के कब्जे में हो। दोस्तों, एक ऐसी गुड़िया थी जिसका नाम था एनाबेल। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि उस गुड़िया पर किसी शैतानी आत्मा का वास था। इस शैतानी गुड़िया की कहानी साल 1970 में शुरू होती है, जब एक महिला ने अपनी डोना नाम की बेटी को उसके जन्मदिन पर एक प्यारे से दिखने वाली गुड़िया गिफ्ट करी। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और अपनी एक फ्रेंड के साथ रहती थी। डोना उस गुड़िया को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी जल्दी गायब हो गई जब उसने उस गुड़िया में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस की। शुरुआत में डोना ने गुड़िया पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही घर में अजीबोगरीब घटनाओं का दौर शुरू हो गया। जैसे घर में खून से लिखे मैसेज का मिलना और उस गुड़िया का अपनी जगह पर रखे रखे ही घूम जाना। बाद में मालूम हुआ कि उस गुड़िया में एक शैतानी आत्मा का वास है। डोना और उसकी सहेली ने इस डॉल से छुटकारा पाने की कई बार कोशिश करी। वह इस डॉल को अक्सर घर के बाहर फेंक दिया करती थी, लेकिन कुछ समय बाद यह डॉल अपने आप वापस घर के अंदर ही मिलती थी। दोस्तों, इस डॉल ने कई बार डोना और उसकी दोस्त एंजी पर भी हमला किया। यहाँ तक कि डोना के एक दोस्त लू को जान से मारने तक की कोशिश की। इन सारी खौफनाक घटनाओं के बाद उन्होंने एड और लॉरेन की मदद ली। वॉरेन की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस डॉल में एक शैतानी आत्मा छिपी थी। वह अपने लिए किसी इंसानी शरीर की तलाश में थी। इसके बाद एड और लॉरेन ने इस डॉल को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। लॉरेन ने म्यूजियम में लाने के बाद से ही एनाबेल को एक ग्लास बॉक्स में बंद करके मंत्रों से बांध दिया है, जिसकी वजह से यह बुरी आत्मा एक ही जगह फंसी हुई है। आज भी यह डॉल उसी शोकेस में रखी हुई है, जहां आने जाने वाले लोग उसे बाहर से देख सकते हैं, लेकिन उन्हें उस गुड़िया को और उसके शोकेस को छूने की इजाज़त नहीं है। एनाबेल नाम की इस हॉन्टेड डॉल पर हॉलीवुड में एक हॉरर फिल्म भी बन चुकी है, जो काफ़ी सफल रही थी। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन के मुनरो कनेटिकट स्थित ओकोल म्यूजियम में आज भी एनाबेल नाम की यह डॉल मौजूद है। द पैरोन फैमिली। दोस्तों, सन 1970 में रॉजर, उसकी पत्नी कैरोलिन और उनके 5 बेटियों ने एक फार्म हाउस में रहने का फैसला किया, जो कि हारिसविले रोड आइलैंड में स्थित था। यह फार्म हाउस 200 एकड़ में फैला हुआ था और इसे सन 1736 में बनाया गया था। उनके वहाँ जाने के कुछ दिन बाद ही उन्हें कुछ पैरानॉर्मल घटनाओं का एहसास होने लगा था। उनके साथ वहाँ कई ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हुई, जिससे ये साफ साबित हो रहा था कि यह फार्म हाउस किसी अलौकिक शक्ति के कब्जे में है। रॉजर और उनके घर में ढेर सारी असाधारण घटनाएं घटने लगीं। खास तौर पर रात को यहाँ अजीब से डरावनी आवाज़ें आने लगीं। घर में दीवार पर लगे फोटोज़ का अपने आप गिर जाना
और घर के सामान का जगह बदल जाना, यहाँ तक कि कई बार बच्चों का बेड भी हवा में तैरने लगता था। इन सारी हरकतों से यह परिवार काफ़ी घबराने लगा था। तभी अचानक एक ऐसी आत्मा का उनके घर में आगमन हुआ जिससे यह घर बहुत ही ज़्यादा भूतिया जगह में तब्दील हो गया। उस रूह ने बच्चों की माँ कैरोलिन को अपना निशाना बनाया। यह रूह जिस औरत का था उसका नाम बसीबा था। कैरोलिन को अपना निशाना बनाने के बाद उसने उसके शरीर को काफ़ी चोट पहुँचाने का काम किया। कैरोलिन के लिए यह समय बहुत ही मुश्किल था क्योंकि बसीबा उसे रात भर जितना हो सके उतना चोट पहुँचाती थी। इस परिवार द्वारा बताया गया है कि यह रूह देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी और उसका सिर गले की बाईं तरफ लटका हुआ रहता था, मानो जैसे किसी ने गर्दन को मरोड़कर तोड़ दिया हो। इसके बाद उस आत्मा ने कैरोलिन को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसके शरीर को अपने काबू में करने लगी। वह उसके शरीर में धीरे धीरे अपना अधिकार जमाने में कामयाबी होने लगी थी। बार बार इन घटनाओं की वजह से रोजन ने एड और लोरेन वॉरेन की मदद लेने की सोची। वॉरेन उन दिनों अपने पैरानॉर्मल रिसर्च से काफ़ी मशहूर हो गए थे और उन्होंने कई लोगों की मदद करके उन्हें आत्माओं के चुंगल से बचाया था। जैसे ही वॉरेन ने उनके घर में प्रवेश किया, उन्हें वहाँ कुछ असाधारण शक्तियों का एहसास हुआ। लोरेन को वहाँ यह पता लगाने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि कैरोलिन के शरीर में किसी ताकतवर शैतानी आत्मा का कब्जा था। वॉरेन ने यह तय किया कि वह पूरे घर की तहकीकात करेंगे और उस आत्मा को कैरोलिन के शरीर से दूर भगाएंगे। दोस्तों, पैरन फैमिली की इस कहानी पर कंजरिंग वन जैसी सुपरहिट मूवी बन चुकी है। फिल्म में हमें ऐसा दिखाया गया है कि वॉरेंस ने एक्सोसिज्म की प्रक्रिया कैरोलिन पर की थी, पर असल में एड और लोरेन वॉरेन ने एक्सोसिज्म किया ही नहीं था। उन्होंने सांसें नामक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था जिसकी मदद से कोई भी मरे हुए लोगों से कांटेक्ट बनाकर उनसे बात कर सकता है। कैरोलिन की सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया ने यह साफ साफ बताया कि वॉरेंस ने उस रात सांसें की प्रक्रिया का सहारा लिया जिससे यह स्थिति और भी बदतर हो गई। उन्होंने एक ऐसे रहस्यमय दरवाजे को खोलकर आत्माओं को बुलाया जिससे वह कभी वापस बंद ही नहीं कर पाए। आर्थिक कमियों के कारण कैरोलिन और उसका परिवार अगले 7 साल तक इस घर को छोड़ नहीं पाए और इन घटनाओं से जूझते रहे। उसके बाद उन्होंने इस घर को छोड़कर जॉर्जिया नाम के शहर में अपना नया घर बसाया, लेकिन दुर्भाग्यवश ये असाधारण घटनाएं उनका पीछा नहीं छोड़ पाई और जॉर्जिया में भी उनके परिवार के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होती रही। द स्नेकडर हाउस। दोस्तों, बात 1986 की है जब एलन और कार्मेन स्नेडर अपनी बेटी और 3 छोटे बेटों के साथ साउथिंगटन कनेक्टिकट में एक पुराना घर किराए पर लिया था। अपने नए घर की छानबीन करते समय कार्मेन को तहखाने में कुछ अजीब चीज़ें मिलती हैं जो पुराने ज़माने में लोगों को कब्र में दफनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और इसके कुछ ही समय बाद परिवार के सबसे बड़े बेटे को भूत और भयानक दृश्य दिखाई देने लगे और हालात बद से बदतर होते चले गए। हालात बदतर तब ज़्यादा हुए जब माता पिता दोनों ने कहा कि किन्हीं शैतान आत्माओं द्वारा उनके साथ ज़बरदस्ती की कोशिश की गई है। और एक दिन जब कार्मेन रसोई के फर्श की सफाई कर रही थी तभी अचानक से पानी लाल हो गया और तभी वहाँ अचानक सड़ते हुए मांस की तेज़ गंध आने लगी। अंत में इस परिवार ने इन पैरानॉर्मल घटनाओं से तंग आकर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड
और लॉरेन वोरे से संपर्क किया, जिन्होंने घर की जांच करने के बाद इसे हॉन्टेड हाउस डिक्लेयर किया। दोस्तों, स्नेडर ने अपनी आपबीती कई बार बताई है, जिसमें एक राष्ट्रीय टॉक शो शामिल था और डिस्कवरी चैनल का भी एक हॉरर शो शामिल था। हालांकि स्नेडर के मकान मालिक ने पूरी कहानी को हास्यास्पद बताया। उन्होंने बताया कि पहले या बाद में किसी भी और किराएदार ने इस घर में कुछ भी असामान्य अनुभव नहीं किया था। दोस्तों, स्नेडर परिवार ये घर छोड़ने का निर्णय लेने से पहले 2 साल से अधिक समय तक इस घर में रहे। स्नेडर की कहानी पर सबसे पहली किताब उपन्यासकार रे गॉर्डन की थी, जो 1992 में आई थी, जिसका नाम इन अ डार्क प्लेस द स्टोरी ऑफ ट्रू हंटिंग था, और साथ ही 2009 की मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म द हंटिंग इन कनेक्टिकट इस स्नेडर परिवार की कहानी पर आधारित थी। द अमिटीविले केस। दोस्तों, अमिटीविले केस एड और लॉरेन के सबसे चर्चित केसों में से एक था। ये कहानी एक हॉन्टेड हाउस की थी। ये घर न्यूयॉर्क शहर के बाहर 30 मील की दूरी पर स्थित एम्प्टीविल के लॉन्ग आइलैंड शहर में बसा हुआ था। इस कहानी की शुरुआत 13 नवंबर 1974 को होती है, जब 23 वर्षीय रोनाल्ड जे डोफे जूनियर ने अपने सोते हुए परिवार की बड़े बहरहमे से हत्या कर दी, जिसमें उसके माता पिता और 4 भाई बहन शामिल थे। और इस घटना के कुछ समय बाद ही लुस परिवार ने यह घर बहुत ही कम कीमत पर खरीद लिया था, लेकिन वह भी यहाँ ज़्यादा समय तक रह नहीं पाए और कुछ ही समय बाद इस घर को छोड़कर भाग गए। लुस परिवार ने बताया कि उन्होंने यहाँ कुछ अलौकिक गतिविधियों का अनुभव किया है, जैसे कि घर की घड़ियों का सुबह 3:15 पर बजना और इसी समय या तो बंद हो जाना। यह वही समय था जब रॉन ने अपने पूरे परिवार की हत्याएं की थी। लुस परिवार ने यहाँ कुछ अजीब सी गंधों का आने का दावा भी किया, और यहाँ की दीवारों और की होल से कुछ हरे रंग के जिस चीज़ को बाहर निकलते हुए भी देखा। साथ ही इस घर के कुछ हिस्सों में अजीब ठंड का भी एहसास किया। बाद में एड और लॉरेन द्वारा इस घर की जांच की गई और उन्होंने इस घर को हॉन्टेड बताया। हालांकि कई लोग लुस फैमिली की कहानी की वैधता पर सवाल उठाते हैं। मर्डरर रॉन, जो अभी भी जीवित है और न्यूयॉर्क में 25 साल की सजा काट रहा है, उसने दावा किया कि उसने कुछ आवाज़ें सुनी जो उसे उसके परिवार को मारने के लिए उकसा रही थी। दोस्तों, एम्प्टीविल हाउस अभी भी खड़ा है एक नए पते के साथ। साथ ही इस एम्प्टीविल हाउस को आधिकारिक तौर पर फरवरी 2017 में एक अज्ञात मालिक को बेच दिया गया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो के पार्ट 1 में इतना ही। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम एड और लॉरेन द्वारा कुछ और खौफनाक सॉल्व किए गए केसेस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको आज की हमारी वीडियो और वीडियो में दिखाई गई जानकारी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।